अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम है अबराज चौहान आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे ये उसका पहला लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री और हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंस भी पढ़ेंगे तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ स्टूडेंट्स हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का इस चैप्टर के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसमें हम क्रूड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करेंगे अब वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो को अलहदा करती हैं दूसरे सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस से वो सेपरेटिंग टेक्निक्स लाती हैं जो केमिकल भी हो सकती हैं फिजिकल भी हो सकती हैं इस चैप्टर के शुरू में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस है इसमें जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स गिवन है वो फिल्ट्रेशन है जिसके ज़रिए आप इंसॉलिबल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन है जिसके जरिए आप क्रूड सब्सटेंस को जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है प्योरीफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से कलर भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग एनिमल चार को सब्लीमेसन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सॉलिड solid, ऐसे सॉलिड्स को हीट करते हैं जो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं यानी कि सब्लीमेसन के प्रोसेस पे पूरा उतरते हैं सब्लिमेशन में हम आयोडीन को सैंड से अलहदा कर सकते हैं यानी कि वोलाटाइल सॉलिड जो कि ईजीली सॉलिड से गैस में जाते हैं स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना उन उस टेक्निक को डिस्कस करेंगे हमारी एक टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम ऐसे सब्सटेंस को अलहदा करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से अलहदा करते हैं जो वॉलाटाइल हो सकता है और थर्मली अनस्टेबल हो सकते हैं हमारी लास्ट टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर हम मिक्सचर के अंदर मुख्तिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ये टेक्निक पहले तो कलर्स कंपोनेंट को अलहदा करने के लिए यूज़ होती थी जैसे क्लोरोफिल या कैरेटनाइड्स जिसकी वजह से इसका नाम ही क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर राइटिंग के नाम पर मौजूद है इन सारी टेक्निक्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपके सामने इम्प्योर सब्सटेंस आए तो आप आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करके आपके पास जो सैंपल आया उसका क्वालिटेटिव या और क्वांटिटेटिव में से कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल रहेगी तो हम पहले अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक की तरफ चलते हैं गोल्ड नगेट लिया गोल्ड का पीस लिया उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन अप्लाई किए तो हमें पता लगा ये हंड्रेड प्योर गोल्ड का नगेट है हमने सोचा कि अगर ये 100 परसेंट प्योर गोल्ड नगेट है तो इसकी कीमत यकीन जो इमप्योर या क्रूड फॉर्म में गोल्ड होगा उससे ज़्यादा होगी तो ये सारा प्रोसेस जिसके ज़रिए हमने गोल्ड की कम्पोजिशन फाइंड की उसमें गोल्ड कितना है अगर तो गोल्ड उसमें कम है या कोई और कंपोनेंट या इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो कितने परसेंट मौजूद हैं ये सारा फाइंड करने के लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शन और केमिकल टेक्निक्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ये सारा का सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ब्लड का एनालिसिस रेड ब्लड सेल्स कम है या ज़्यादा हैं इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा कोई मेडिसन प्योर है या इमप्योर है अगर वो मेडिसन एक खास पीस के अंदर मौजूद है टेबलेट के अंदर मौजूद है तो कितने मिलीग्राम की है एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहती है कैनलिटिकल केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन करेक्टराइजेशन का मतलब होता है करेक्टर फाइंड करना कि वो किस चीज से मिलकर बने उसमें क्या क्या एलिमेंट मौजूद हैं कितनी परसेंटेज में मौजूद है उसकी नेचर क्या है उसके फीचर्स क्या हैं क्या वो हार्ड सॉलिड है क्या वो प्योर है? है याद रखिएगा अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए किसी सब्सटेंस को मुकम्मल तौर पे करेक्टराइज करना चाहते हैं तो हमें दो किस्म के एनालिसिस करने पड़ेंगे पहला एनालिसिस कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा एनालिसिस कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्वालिटी ऑफ आवर मटीरियल या सैंपल फाइंड करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है यूजली क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड एलिमेंट उसमें मौजूद है कि नहीं है या हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो एलिमेंट्स उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं वो कौन से हैं ये इतना डिटेल में नहीं होता कि आपने फाइंड किया कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब आई उस टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स इसमें अमोनिया डिजॉल्व हुआ हुआ है अब अमोनिया अगर मैं किसी सोलूशन में या वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके किसी स्टूडेंट को पकड़ा दूँ और वो ये चेक करना चाहे कि इसमें अमोनिया है या नहीं है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड प्रेजेंट है डिटेक्ट करना चाह रहा है तो वो करेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ये बड़े सिंपल टेक्निक्स होती हैं इससे ये तो हमें शायद अंदाज़ा ना हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि अमोनिया बना रहे हैं या अमोनिया जो सोल्यूशन के अंदर मिक्स हुआ हुआ वो कितना है लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उसमें मौजूद है या नहीं है अब वो स्टूडेंट जिसको मैंने अमोनिया वाटर में मिक्स करके दिया था और कहा था आप इसे डिटेक्ट करें कि इसमें अमोनिया है या नहीं है वो क्या करेगा इसमें एक लिटमस पेपर रेड कलर का डिप करेगा अगर रेड लिटमस पेपर उस अमोनिया के सोल्यूशन में ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब उस सोल्यूशन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है उसकी वजह अमोनिया वाटर में डिजोल्व होकर बेस बनाती है और बेस किसी भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं हम स्टार्च एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है स्टार्च पोटैटोज़ में होते हैं ज़्यादा मकदार में होते हैं हम देखना चाहते हैं पोटैटो में स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं है हम उस पर ब्राउन कलर का आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं अगर हम उस पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के सोल्यूशन के तो वो ब्राउन कलर का सोल्यूशन ब्लू या डार्क पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर तो वो ब्लू या डार्क पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो पोटैटो है हमारे पास सैंपल है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है तो ये एक सिंपल टेस्ट है आइडेंटिफाई किया ये है या नहीं है ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है डिटेल में होता है इसमें हम ये भी फाइंड करते हैं कि एलिमेंट्स कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं जिसे हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं हमने क्वांटिफाई किया कि हमारा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में या अमाउंट में रखता है इसमें हम करते क्या एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट को डिटरमिन करते हैं सो अ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैज़ डिफरेंस इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ें वी फाइंड रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सैंपल दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी यूज टू डिटेक्ट दोज एलिमेंट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटिफिकेशन और क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको चार स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे पहला स्टेप तो यह है कि आप एक सैंपल लें जिस पे आपने टेस्टिंग अप्लाई करनी है फिर उसमें से वो कंपोनेंट अलहदा करें जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि कितने परसेंट मौजूद हैं फिर आप उस पर डिफरेंट किस्म की मेयरमेंट्स और कैलकुलेशन अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप कंक्लूड करें कि अच्छा इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है कार्बन कितना है या ऑक्सीजन कितना है या हाइड्रोजन कितना है फॉर एग्जांपल जो बेंजीन होता है उसमें कार्बन 92.3 परसेंट होता है और हाइड्रोजन 7.7 परसेंट होता है और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें यह बताता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंबस्टन एनालिसिस किया था जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके उसमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को आइडेंटिफाई करते थे यह प्रोसेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड की थी हमने ये नहीं कहा था कि वो डिटेक्ट नहीं किया था कि उसमें कार्बन है या नहीं है हमने ये फाइंड किया था कि उसमें अगर कोई एलिमेंट है तो कितनी परसेंटेज में है सो कम्बसन एनालिसिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ मिलकर और हम उस चीज़ के बारे में हंड्रेड श्योर sure हो जाते हैं कि वो प्योर है या इमप्योर है और यहाँ तक श्योर हो जाते हैं कि अगर वो इम्प्योर है तो उसमें और क्या चीज़ें मौजूद हैं मिल्क जो हमारी डेली यूज़ की नेचुरल आइटम है उसमें भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है और पाकिस्तान में फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो करती क्या हैं उसका एनालिसिस करती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से उस फूड की क्वालिटी जो मिल्क की फॉर्म में मौजूद है मिल्क इज़ अ फूड वो सामने आ जाती है क्या वो पीने के काबिल है उसमें फॉर्मलिन तो नहीं है उसमें यूरिया मौजूद है कि नहीं है अगर है तो एक ख़ास परसेंटेज से अबव तो नहीं है एक दिखने में तो वो मिल्क एक आपको लगेगा प्योर फॉर्म में है लेकिन जब तक आप उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए उसकी करैक्टर को नहीं फाइंड करते आप उसके बारे में कोई राय नहीं कायम कर सकते कंक्लूजन नहीं निकाल सकते सिर्फ फूड अथॉरिटीज वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ वही नहीं यूज़ करते एनालिटिकल केमिस्ट्री को ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं हमने एयर पोल्यूशन में फाइंड करना है कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कंसेंट्रेशन एयर में बिल्ड कर दी है जिससे बार बार एसिड रेन हो रही है आजकल स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी बेसिक रीज़न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं अब ये कितने हैं किस परसेंटेज में एयर में मौजूद हैं अग, अगर ये एयर में मौजूद हैं तो क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में है या सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया इसके लिए हमें एयर का एनालिसिस करना पड़ेगा क्वालिटेटिव भी यानी कि डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये ऑक्साइड्स मौजूद हैं और क्वांटिटेटिव भी कि कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो होते हैं दे हैव द मॉडर्न इक्विपमेंट्स टू एनालाइज द ब्लड सैंपल्स ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेस पर ही हमारे ब्लड सैंपल्स में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताते हैं फूड प्रोडक्शन और क्वालिटी में अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं अप्लाई कर रहे तो हो सकता है कि वो फूड पॉइजनस हो वो किसी की जान ले सकता हो तो ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी चेक को मेंटेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल्स और केमिकल टेक्निक्स और फिजिकल टेक्निक्स क्वालिटी कंट्रोल किसी इंडस्ट्री का हार्ट होती है अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी तो वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसकी सेल बढ़ेगी अगर क्वालिटी पुअर होगी तो हम कह सकते हैं कि उसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं और वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और अगर तो वो केमिकल्स बना रही है तो क्वालिटी और ज़्यादा सीरियस किस्म का कंसर्न बन जाती है उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो वो ऑयल बना रही है फ्रॉम सीड्स तो उसमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे वो हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एश्योर कर सकते हैं इन सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए हमें ये आइडिया तो हो गया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है और इसमें मौजूद बहुत से स्टेप हमारे लिए काम के हैं अब स्टूडेंट्स हम कुछ एम करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर टू के लेक्चर से रिलेटेड हैं ये एम एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करने में जो हमने लेक्चर में पढ़े हैं सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एम पहला एम सी क्यू हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास जो एनालिसिस था ना वो दो तरह का था पहला हमारे पास एनालिसिस था क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं फिर आता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कि कितने कितनी परसेंटेज मौजूद हैं यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फाइंड कर लें तो हमारे पास एक आप यूँ समझ लें मुकम्मल डाटा आ जाता था कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योर है इमप्योर है इसकी क्या डिटेल्स हैं अब जो क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस था उसमें पहला स्टेप ये होता था कि हमने सैंपल ऑप्टेन करना होता था दूसरे स्टेप में क्या करते थे हम डिज़ायर कंपोनेंट को सेपरेट करते थे तीसरे स्टेप में क्या करते थे हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे कैलकुलेशंस करते थे कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये कितनी प्योर है क्या है क्या नहीं है कितनी परसेंटेज में है और फोर्थ स्टेप होता था कि हम उससे रिजल्ट कंक्लूड करते थे या कंक्लूजन ड्रा करते थे उन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट से यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होते हैं तो इट मीन्स इट हैज़ फोर स्टेप्स तो मैं यहाँ लिखूँगा चार स्टेप होते थे क्वान्टिटेटिव अनालिसिस में स्टूडेंट याद रखना ये चार स्टेप शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट आर द फोर स्टेप्स तो आप यहाँ रिज़ल्ट जो है इसका वर्ड यूज़ करने के बजाय बेहतर है अगर आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे कंक्लूजन का जो बुक में यूज़ हुआ हुआ है मसा मतलब आपने कंक्लूड किया कि एयर का सैम्पल जो आप रखते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर वो इमप्योर है उसमें पल्यूटेंट्स हैं उसमें प्योर एयर के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लूटेंट्स एंड मयरिंग दर्डस लेवल देखें प्लूटेंट्स होते क्या प्लूटेंट्स वो हैं जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस होती हैं एयर प्लूटेंट्स में हमारे पास सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं से एस ओ टू एस ओ थ्री हमने कार्स और मोटरबाइक्स चला चला के पेट्रोल फ्यूल को यूज़ कर करके हवा में सल्फ़र के लेवल सल्फर के ऑक्साइड्स के लेवल बहुत बढ़ा दिए हैं लेवल क्या होता है परसेंटेज अमाउंट पलूटेंट्स कौन से हैं और कितनी अमाउंट में हैं तो कौन से हैं ये तो आइडेंटिफाई हमें डेफिनेटली होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से ऑप्शन ए है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑप्शन बी है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस सो टेक्निकली हमें इन दोनों की ज़रूरत है क्या करने के लिए फाइंड करने के लिए क्या कि पोलूटेंट कौन सा है और किस लेवल का है तो जब आपके पास ये दोनों की रिक्वायरमेंट है तो यू नीड टू डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस तो लिहाजा अगर मैं इसमें एम सी क्यूज में ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये सी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मेरे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है क्यों अगर मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करता इनमें से एक छोड़ देता हूं तो मेरा अजरडस से क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करता तो हज़रडस लेवल नहीं पता लगेगा प्लुटेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है से लेड है लेड एक प्लूटेंट होता है एयर में तो हमने इन प्लूटेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं फ़िजिकल एनालिसिस ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट हो सकती कि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हम ए, कोई यूज करें टेक्निक्स टू तो फाइंड आउट द लेवल्स ऑफ हजरडस ऑफ प्लूटेंट्स समटाइम हमें केमिकल एनालिसिस भी करने पड़ते हैं सो सम हाउ द ओनली ऑप्शन करेक्ट फॉर सेकेंड एम सी क्यू इज सी तो स्टूडेंट्स हमने आज एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया और उसमें अप्लाई होने वाले दो किस्म के एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी डिस्कस किया याद रखिएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है जो चार स्टेप्स रिक्वायर होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी आप केमिकल या मेडिसन या किसी भी चीज़ की सैम्पलिंग करते हैं नाइन्टी चांस है कि वो केमिकल करेक्टराइजेशन के प्रोसेस से गुज़रा हो उसमें हमने केमिकली फ़ाइंड किया हो कि वो कंपोनेंट्स किस किस वैल्यू के हैं या कौन कौन से हैं लिहाजा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़